इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू पार्ट टाइम जॉब लेकर आया हूँ, जहाँ पर आपको पार्ट टाइम वर्क करना है, 4 घंटे वर्क करना है, फिर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। वर्क बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम है, घर के लेट के हाउस वाइफ सब कुछ इसमें अवेलेबल है। देन यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से अप्लाई करना है। देन ये जॉब की बात करें तो 1 सितंबर से ये जॉब अपने यहाँ पर स्टार्टिंग होने वाली है, और अभी आप अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इस जॉब का नाम है डिश टीवी वर्क फ्रॉम होम जॉब पार्ट टाइम अवेलेबल है, ठीक है ना, यहाँ पर है। और डिश टीवी पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम जॉब्स, ठीक है ना। अबाउट दिस जॉब की अगर बात करें तो कस्टमर सपोर्ट का ये जॉब होने वाला है, जो कि फुल टाइम भी है, पार्ट टाइम भी है, बूथ अवेलेबल होने वाली, ठीक है ना। फुली वर्क फ्रॉम होम है ये, मैं आपको पहले बता दूँ। और रिसोल्व कस्टमर क्वायरी ऑन फोन कॉल, ठीक है ना, आपको फोन पर कॉलिंग का वर्क है, कॉल करनी है, देन कस्टमर्स की आप क्वायरी रिसोल्व करनी है। जैसे अगर DTH का ये जॉब है तो यहाँ पर डिश टीवी का है, तो वहाँ पर आपको कॉल करके उनको बताना होगा आपने कई महीनों से या कई दिनों से रिचार्ज नहीं किया है, तो क्या आप करना चाहेंगे, तो वो सब कुछ यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर स्क्रिप्ट वगैरह मिनिमम 4 आवर्स आपको पर डे वर्क करना है, ठीक है। रिक्वायरमेंट की बात की है, सोल्ड है लैपटॉप या कंप्यूटर, अगर नहीं है तो स्मार्टफोन भी चल जाएगा। एज सोल्ड की बात करें तो 18 ईयर्स यहाँ प्लस होनी चाहिए। सोल्ड भी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी होनी चाहिए। और बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पर यू कैन वर्क ओनली फॉर 4 आवर पर डे, 4 घंटे आपको पर डे वर्क करना है। नो एनी सेल्स और नो टारगेट, कोई सेल्स नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, गुड अर्निंग पोटेंशियल, ठीक है ना। यू कैन वर्क अकॉर्डिंग टू योर टाइम स्लॉट। और इसमें एक नोट में एक यहाँ पर एक मैन हैंडल आएंगे जैसे आपको पढ़ना है, इफ़ यू आर स्टूडेंट हाउस वाइफ और पर्सन यू आर लुकिंग फॉर ए पार्ट टाइम जॉब फॉर देन सोल्ड बी द बेस्ट यू, आपके लिए काफ़ी बेस्ट होने वाली है। जॉब स्टार्टिंग डेट यहाँ पर मेंशन की है 1 सितंबर 2023 को, इफ़ यू आर अप्लाई थिंग, ठीक है ना, 1 सितंबर से ये स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, अभी तक अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के लिए अप्लाई का यहाँ पर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर उस पर क्लिक करना है। देन वहाँ पर यहाँ पर इनका एक टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप इसको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल भी इनका ज्वाइन कर सकते हो ताकि वहाँ पर अपडेट्स मिलते रहे, ठीक है ना। बाकी अप्लाई पर क्लिक कर, डॉक्यूमेंटेशन नाम डालना है जो आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड में, वो नाम यहाँ पर आपको डालना है, जैसे आपका कोई भी नाम हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, जो आप कॉन्टैक्ट नंबर हो जो एक्टिव होना चाहिए। अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो वो यहाँ पर यस कर सकते हो, बाकी आप नो भी कर सकते हो। अगर वाईफाई है आपके पास तो यस कर सकते हो, बाकी आप नो भी कर सकते हो, ठीक है। एजुकेशन की बात करो, ग्रेजुएशन हो या अंडर ग्रेजुएशन हो वो यहाँ सेलेक्ट करना है। प्रेजेंट सिटी आपकी कौन सी वो यहाँ सेलेक्ट लिखना है आपको, जैसे आप प्रेजेंट में कौन सी सिटी में रह रहे हो। देन स्टेट आपको सेलेक्ट करनी है, यूपी से हो, बिहार से, कहाँ से हो, वो सेलेक्ट करनी है, ठीक है। बाकी जनरल आपको सेलेक्ट कर देना, मेल हो फीमेल हो। अब जैसे जनरल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आएगा क्वालिफिकेशन करंट एम्प्लॉय स्टेटस, यानी आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस आपको कॉलिंग में, तो यहाँ सेलेक्ट करना है, मुझे एक्सपीरियंस हो एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर दूंगा। अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर सेलेक्ट करना है। बाकी वर्किंग की ईमेल आईडी आपकी कौन सी रहने वाली, एक जीमेल आईडी देना है जहाँ नए अपडेट्स आपको मिलेंगे, जैसे जीमेल आईडी आपका होना है बहुत जरूरी, ठीक है ना। उसके बाद एक अल्टरनेट फिर से आपको मोबाइल नंबर देना है, जो कि अल्टरनेट होना चाहिए, बाय द वे उस मोबाइल नंबर आपको कॉल या मैसेज नहीं जाता तो उस पर चला जाएगा। लैंग्वेज आपसे पूछे जाएंगे तो लैंग्वेज आपकी हिंदी है या इंग्लिश है, लेकिन जो आपकी लैंग्वेज हो वही देना है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश दे दोगे और आपको इंग्लिश नहीं आता है तो जॉब नहीं मिल पाएगा। बाकी यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, BOD, फुल डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ एक व्हाट्सअप नंबर भी दे देना है, ठीक है ना। दोनों नंबर अगर एक्टिव है तो दोनों का व्हाट्सअप नंबर दे सकते हो। ऑपरेटर सिस्टम अगर आपके पास लैपटॉप है तो यहाँ फिल कर सकते हो, विंडोज 10 या 11th में। अगर यहाँ पर CPU अगर आप लैपटॉप है तो वो यहाँ पर डिटेल फिल करनी है, CPU प्रोसेस और रैम का, ठीक है ना। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो यस करना है या फिर नो करना है, अगर आपके पास नहीं है तो, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर, देन नाम, सोर्स जिम योर मेंशन, तो यहाँ पर आप मेरे जो है कि यहाँ पर दिखा हुआ है तो मेरे चैनल का नाम भी लिख सकते हो या फिर मेरा नाम भी लिख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देर नोट डिस डज नॉट आस्क पे एक्सचेंज फॉर ए जॉब, इसके लिए आपको पे वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं। और MP इंदौर भोपाल में ये जॉब जो है कि क्लोज हो चुकी है, और बाकी रेस्ट या लोकेशन ओपनिंग, बाकी सभी यहाँ पर जो है कि जगह पर यहाँ पर ये जॉब जो है कि ओपन होने वाली है। यहाँ पर आपका जो भी फीडबैक है वो यहाँ दे देना है, बाकी सबमिट कर देना है। अब जैसे आप लोग यहाँ पर सबमिट कर लोगे, डिस्ट्रिक्ट वर्क फ्रॉम होम वॉइस प्रोसेस यहाँ पर लिखा आ जाएगा, और योर रेस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। ये इसमें अभी की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर 465 मेम्बर्स इसमें जुड़ चुके हैं, और यहाँ पर देखिए डेली के डेली यहाँ मेम्बर्स जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। डेली यहाँ पर ये जो है कि यहाँ पर डेट भी अलाउ कर रही है, और डेट अलाउ करने के साथ साथ यहाँ पर हायरिंग भी चल रही है, ठीक है। अब वर्क स्टार्ट होने वाला है 1-2 दिन में, बाकी यहाँ पर सभी इम्प्लॉयज यहाँ पर वर्कर्स हैं, और यहाँ पर इनका अबाउट यहाँ से चेक कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट हायरिंग का। तो इस प्रकार आप लोग अप्लाई कर सकते हो अगर कॉलिंग का वर्क करना है, आपको वर्क फ्रॉम होम करना है तो। और यही था आज के इस वीडियो का टारगेट, आई होप को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब।